नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज और अभी इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ, ये काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर लॉकडाउन में अपने बिजनेस को लेके और अपने नेटवर्क को आप कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि सर कैसे इनवाइट करें, कैसे अप्रोच करें लॉकडाउन में जो वेबिनार्स हो रही है कंपनीज के द्वारा, या फिर कोई टॉप लीडर जो वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें लोगों को कैसे इनवाइट करें, कैसे शामिल करें, क्या बोले ताकि वो वेबिनार के लिए टाइम निकाल ले, उस सेशन के लिए टाइम निकाल ले। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत बढ़िया वक्त चल रहा है आपके लिए, खासकर नेटवर्क मार्केटर्स के लिए। क्यों? क्योंकि सेल्स के अंदर एक जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है नीड, और अब आपको नीड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। दुनिया ने आपको नीड क्रिएट करके दे दिया है, टाइम ने आपको नीड क्रिएट करके दे दिया है, ये जो सिचुएशन है कोरोना और लॉकडाउन का जो सिचुएशन है उसने नीड क्रिएट कर दिया है। आज की डेट में अब चाहे कोई इंसान जॉब कर रहा हो या फिर बिजनेस कर रहा हो, हर इंसान ये चाहता है कि वो कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स उसको मिल जाए और वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना शुरू कर दे। कई लोग के पास तो जो नौकरियां थी या फिर छोटे मोटे रोजगार थे वो पहले ही जा चुके हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के रोजगार ठप हो चुके हैं, बहुत सारे लोग की नौकरियां जा चुकी है, पैसा आने का जो सारा स्रोत है वो बंद हो चुका है। इसलिए सबसे पहली चीज की नीड क्रिएटेड है, अब आपको नीड क्रिएट नहीं करनी, और सेल्स में नीड बहुत बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक बार जब नीड क्रिएट हो जाती है तो सेल होना लगभग लगभग तय हो जाता है। तो नीड क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब दिक्कत कहां आ रही है मैं आपको बता रहा हूं। अधिकतर लीडर्स के साथ दिक्कत ये आ रही है कि उन्होंने लॉकडाउन के पहले काम किया है, लॉकडाउन के पहले जब उन्होंने काम किया है, जब उन्होंने इन्विटेशन की है, जब उन्होंने अप्रोच किया है, तो उनको रिजेक्शन मिले हैं और उस रिजेक्शन का फियर अभी भी उनके दिमाग में, अभी भी उनके माइंड में ये चीज बैठी हुई है कि वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, उनको कैसे इनवाइट करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उनको बहुत फियर है, बहुत डर है। ये क्यों है? क्योंकि लॉकडाउन के पहले उनके पास जो काम है उसका एक बुरा अनुभव है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद का पीरियड, अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन के बाद का जो पीरियड है वो लॉकडाउन के पहले के पीरियड का जो भी आपको एक्सपीरियंस मिला उससे बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, वक्त बदल चुका है, नीड कहीं ना कहीं अलग हो चुके हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा कि जब आप पहले काम कर रहे थे लॉकडाउन से पहले, उस समय नीड थी भी नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उस समय जिसका डिजायर होगा, जिसको सपने होंगे या जिसको बहुत अधिक आवश्यकता होगी एक्स्ट्रा इनकम की, वो आपके साथ ज्वाइन करता होगा। लेकिन अभी का जो दौर है, यहाँ नीड पहले से क्रिएटेड हो चुका है। जो बहुत अमीर लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कुछ किया जाए, जो बहुत गरीब लोग हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मिडिल क्लास बिल्कुल कहीं ना कहीं चाहती है कि कुछ ना कुछ कर ले। तो आप सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, इस बात को समझिए कि नीड ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करनी है और सिर्फ इतना पूछना है कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, आप पैसा बनाने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, आप हेल्थ को बढ़िया रखने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर वो कहते हैं इंटरेस्टेड हैं तो आपको सिर्फ इतना ही तो कहना है कि एक रुपया नहीं लगना, एक पैसा नहीं लगना, आपको पूरी जानकारी फ्री में मिल जाएगी। एक रुपया नहीं देना, कोई भी आपको पैसा खर्च नहीं करना, जानकारी बिल्कुल मुफ्त है, मुफ्त में आपको जानकारी मिल सकती है। आप 40 मिनट का टाइम निकाल लें, आप 50 मिनट का टाइम निकाल लें, आप 30 मिनट का टाइम निकाल लें, इतनी ही बात आपको करनी है। विश्वास कीजिए कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और क्योंकि लोग खुद ही नीड में है, खुद लोग खोज रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन है क्या ना कि आपके पास एक डर है, एक फियर है, एक माइंडसेट पहले वाला माइंडसेट है, उसको दूर कर दीजिए। कहा जा रहा है कि कोरोना के पहले जो दुनिया थी और कोरोना के बाद की जो दुनिया, उसमें बिल्कुल कोई समानता नहीं होने वाली, बहुत सारी चीजें चेंज करने वाली है, चैलेंजेस अलग होगी और अपॉर्चुनिटीज भी कहीं ना कहीं अलग होंगी। तो इसलिए इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये आपका वक्त है, जो 3 साल में आपने ना किया होगा वो आप 3 महीने में कर लेंगे, जो 1 साल में ना किया होगा वो 1 महीने में कर लेंगे, क्योंकि नीड क्रिएटेड है। सेल्स के लिए नीड बहुत बड़ी चीज होती है। जब नीड, आप खुद सोचो, मान के चलिए कि आप बीमार हो जाए और अब आपको इलाज की जरूरत है, तो जिस इलाज के लिए, या फिर हो सकता है कि आज से 5 साल या 10 साल पहले किसी ने अगर आपको कहा होगा कि हेल्थ सप्लीमेंट ले लीजिए, तो आपने ना लिया हो। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस समय आपकी नीड नहीं थी, लेकिन बीमार होने के बाद जब इंसान हॉस्पिटल में जाता है या फिर डॉक्टर के पास जाता है तो लाखों रुपए भी खर्च करता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी नीड है, उसके हाथ में नहीं है, उसकी आवश्यकता है, अब उसको करना ही करना है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास ऑप्शन नहीं है। यही चीज नीड होती है। नीड पहले से क्रिएटेड है, लोग एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, लोग इनकम जनरेट करना चाहते हैं, लोग के पास उतने अवसर नहीं है। मैं कहूंगा आप रीच कीजिए, अच्छे माइंडसेट से रीच कीजिए, हेल्प करने के माइंडसेट से रीच कीजिए, और कुछ जो भी आपको बोलने आता है ना, आप वही बोलिए, आप डरिए मत,
आप लोग की नीड है, लोग खुद आपके साथ टाइम देना चाहेंगे जानने के लिए, और जब जान जाएंगे ना तो वो ऐसे भी करेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पूरी दुनिया में अभी पॉजिटिविटी चल रही है, नेगेटिविटी नहीं चल रही, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो, चाहे वो आपको न्यूज पेपर हो, हर जगह पे नेटवर्क मार्केटिंग की बात हो रही है और पॉजिटिव बात हो रही है। बड़े बड़े स्पीकर्स, बड़े बड़े ट्रेनर्स, बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु सब तो अच्छी बातें कर रहे हैं। तो ये आपका वक्त है, ये आपका टाइम है, इसको गवाइए मत, बहुत अधिक सोचिए मत, पहले माइंडसेट को अपने स्ट्रांग कर लीजिए, डर को बिल्कुल निकाल दीजिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ा लीजिए और काम करना शुरू कीजिए, रिजल्ट आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए, जमे रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक्स अ लॉट।